आज पूरी दुनिया में विश्व वेटलैंड दिवस मनाया गया। हर साल 2 फरवरी को पूरी दुनिया भर में विश्व वेटलैंड डे मनाया जाता है, लेकिन ये पहला अवसर है जब वर्ल्ड वेटलैंड डे संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया गया। इसका श्रेय बीते अगस्त महासभा में पारित एक प्रस्ताव को जाता है। हरियाणा के सुल्तानपुर नेशनल पार्क में आज विश्व वेटलैंड दिवस मनाया गया। कार्यक्रम के दौरान वेटलैंड को सुरक्षित रखने के लिए लोगों को जागरूक करने के साथ ही संकल्प भी दिलाया गया। भारत सरकार की तरफ से देश की 2 झीलों को राष्ट्रीय पक्षी उद्यान का दर्जा दिया गया, जो यूपी और गुजरात में है। इसी के साथ अब देश में 47 से बढ़कर 49 राष्ट्रीय पक्षी उद्यान हो गए हैं। गुरुग्राम के सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान में आयोजित वर्ल्ड वेटलैंड डे के कार्यक्रम में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इको विकास और इको टूरिज्म का संकल्प लिया है। इससे निश्चित रूप से सुल्तानपुर झील के आसपास के गांवों में परिवर्तन आएगा। हरियाणा के गुरुग्राम जिले में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान में वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया गया। कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल ने भी शिरकत की। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने वेटलैंड को बचाने की शपथ दिलाई। इससे पहले सीएम मनोहर लाल ने कहा कि प्रकृति की गोद में सबका निवास है, इसलिए वेटलैंड दिवस पर पृथ्वी और पानी का संरक्षण करना बेहद जरूरी है। विश्व स्तर पर प्लास्टिक प्रदूषण को फैलाने में सबसे अधिक जिम्मेदार कोल्ड ड्रिंक्स बनाने वाली कंपनियां हैं। ये कंपनियां कोका कोला और पेप्सी है। दोनों कंपनियों को लगातार 4th वर्ष दुनिया के अग्रणी प्लास्टिक प्रदूषण के रूप में स्थान दिया गया है। ये रैंकिंग ब्रेक फ्री फॉर्म प्लास्टिक ने जारी की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वन प्लांट अ डे के तहत प्रतिदिन पौधारोपण कर रहे हैं। इसी क्रम में आज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने स्मार्ट पार्क में बादाम और मौलिश्री का पौधा लगाया है। वायु प्रदूषण रोकने की दिशा में की जा रही कोशिशें सिर्फ दिखावा साबित हो रही हैं। नतीजा दिल्ली ही नहीं, देश के कई शहर प्रदूषण से परेशान हैं। प्रदूषण को नियंत्रण में करने 2019 में शुरू किए गए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम का रिजल्ट भी कुछ नहीं निकला है। इस बीच दिल्ली के अलावा मुंबई और बनारस जैसे शहरों में भी वायु प्रदूषण बढ़ा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अपडेट के मुताबिक देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के नए मामलों की संख्या 151,386 दर्ज किए गए और इस दौरान 1,733 लोगों की मौत हो गई है। कोरोना से हो रही मौत के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। इसके साथ ही देश में कुल केस बढ़कर 4,16,30,885 हो गया है। वहीं कोरोना से कुल एक्टिव मामले घटकर 16,21,603 हो गए हैं। उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों में फरवरी महीने के शुरुआती दिनों में भी ठंड से राहत नहीं मिल रही है। सर्दी और कोहरे की वजह से लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मौसम विभाग ने दिल्ली में 3 से 4 फरवरी को बारिश होने का अनुमान जताया है। राजधानी में अगले 2 दिनों तक बारिश हो सकती है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर और शिमला समेत कई इलाकों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। झारखंड का मौसम फिर बदलने वाला है, जिसके कारण कई जिलों में हल्के से मध्यम स्तर की बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान में बने पश्चिमी विक्षोभ के कारण 2 फरवरी से मौसम में बदलाव नजर आएगा, जो कि 5 फरवरी तक जारी रहने का अनुमान है। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।